स्कूल के टाइम में बहुत सारे निबंध लिखे हैं दिवाली के ऊपर। दिवाली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। स्कूल के टीचर्स हमसे जबरदस्ती हमारे दानव दोस्तों को पत्र लिखवाते थे कि बताओ उन्हें दिवाली कैसे मनाई जाती है, हम दिवाली क्यों मनाते हैं, ऐसे कि जैसे वो पत्र पढ़ के वो बिल्कुल देवता ही बन जाएंगे। 16 साल का वनवास पूरा करके राम जी वापस आए, आज हमने मिठाई खाई है, हमने पटाखे जलाए, दिए जलाए, ये सारी बातें बताई हमने, पर हमसे हर साल धोबी के गधे के जैसे मजदूरी कराई जाती है सफाई के नाम पर। पापा की पड़ियां जो कि काम वाली बाई बन जाती है, घर की नौकरानी बन जाती है। मम्मी के जो आंखों का तारा हुआ करता था वो आज इस दिन रामू काका बन जाता है। हमारी स्ट्रगल्स तो हमने कभी लिखी ही नहीं, नहीं निबंध में, ना ही पत्र में, ना ही कोई दुनिया हमसे पूछती है कि हमने किया क्या है। दिवाली के दिन पटाखे जला लिए, मिठाई खा ली, हमने जो काम वाली बाई बन करके सफाई किया, जो टाइल्स रतड़ा है, वैसे तो वो नए में नहीं चमकता था जैसे हमने उसे अभी दिवाली की सफाई में चमका दिया है। मेरे भाई ने जो अपनी जबान से पंखे की पंखी को साफ किया, वाह वाह क्या चमक रहा है उसकी पंखियां। आज के बाद अगर जिसने भी निबंध लिखा उसे हमारे स्ट्रगल्स भी लिखने पड़ेंगे, हमारी मेहनत, हमारे हर पसीने का हिसाब लिखना पड़ेगा उसमें। और हाँ, सफाई के टाइम में जो ताने पड़ते हैं ना हमें, उन सब का हिसाब, सारी डिटेलिंग लिखी जाएगी उस निबंध में, उस पत्र में। चलिए अब रामू काका और घर की नौकरानी दोनों, दिवाली आज आ गई है, फिर से वापस हीरोइन बन जाइए। पापा की पड़ी एक और दूसरे मम्मी की आंखों का तारा, वो एस्थेटिक से फोटोज इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह डालने का, पोस्ट करने का टाइम आ चुका है, तुरंत डालें। हैप्पी दिवाली आप सभी को।